अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताब व कुरान मुबीन। रुबामा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानु मुस्लिमीन। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युलहिमुल अमलु फसौफ़ यअलमून। बाज़बत करीम साहिबान किराम, पिछले जुमा एक दोस्त ने कहा भी वक्त जरा तब्दीली चाहिए, असं दफ्तर वापस जाना हों तो फिर मैं वो गल सुनिया, मगर बाद सारे साथी मिले उन्होंने आख्या बिल्कुल गलत गल आ, जरा वक्त अगला है वह ही ठीक है, असं बिल्कुल वो पहुँच सकते, निकलते दफ्तर से 12:40 तक तो असं पहुँच गए। तो हल वह यह होया भी 12:40 तो हूँ खुतबा इंशाला रमजान मुबारक शुरू होया करूगा, मगर 1:20 से पहला खुतबा खत्म, दूसरे फिर दुआवें ही होंगे 5 मिनट होया फिर जमात खड़ी हो जूगी इंशाअल्लाह ना 1:30 बजे तक जमात खत्म हो जाए करो, 12:40 तो लैके 1:30 तक। तो दूसरी गल यह है भी जोड़े सवाल बहरले मुल्क तो आते हैं तो लोग इस्लाम के बारे पुछते, अलहम्दुलिल्लाह मेरा सर खाम है अल्लाह के मशरक तो मगरब तक ना शिया सुन्नी बरेली जो सब मुसलमान जड़े वो मेरी तरह रुजू कर रहे हैं, हर मुल्क मर्द औरतों पुछ रहा है कि आयत की है हदीस की, तो उन्होंने जवाब रिकॉर्ड कराई गई। हूँ यह फैसला होया भी जुमे तो बाद फिर इंशाअल्लाह बैठा करना, जोड़े वो सवाल आए उन्होंने जवाब देने कि हो सके लिखाने हैं, और तुहाडे चों भी किसी ने सवाल करना हो ना तो पर्ची दे के फिर बाद इंशाअल्लाह बहना वो फिर पूछ लिया करे, सारा रमजान मुबारक इस तरह ही इंशाअल्लाह हो रही है, सवालों के जवाब जो रिकॉर्ड कराने और उन्होंने भाइयों को भेजने ताकि लोगों को असल दीन का पता लगे, झगड़िया पै के ना जी दीन की असल सी वो गुम हो गई, ऐसिया चीज़ों फस गया जिन्हों का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल ना जरा बराबर भी उन्होंने दुनिया च कोई नफा ना आखरत कोई नफा, सिर्फ मुसलमानों की बर्बादी और तबाही है, तो काफिर फायदा पहुँचाने वाली गल होर कुछ नहीं। तो यह समझो शुरू हो रहा हूँ कि 12:40 तो शुरू 1:20 तो पहला खुतबा खत्म, बाद 5 मिनट दूसरा खुतबा, तो सवाल जोड़े करने वो जुमे तो बाद इंशाअल्लाह बैठा करना, वो सवाल उस वे कर लिया करो, तो आए 12 सवालों के जवाब ही देने। आज मेरा ख्याल है शाबान का आखिरी दिन ही है, सऊदीया से शुरू हो गया रमजान मुबारक, शाम तो माहे मुबारक शुरू हो रहा, माहे मुबारक की आमद के सिलसिले मैं पहला भी अर्ज किया कि कायमा अहले बैत अलमुसलाम ने कहा भी तुहानू इहदे लई पहला अपने आप को तैयार तो करना चाहिए, आ शाबान का महीना जिहड़ा इहदे अंदर जिहदा किसी का कोई मारिया वापस करो, कोई गुनाह तुसीं रब को माफ़ी मंग लो, जदों ये महीना आवे तो तुसीं साफ सुथरे होएगे, अल्लाह नाल मुलाकात करो ना, दिन नूं रोज़ा रखो रात नूं नफल पढ़ो, तो तुसीं इस काबिल हो कि खुदा नाल मुलाकात कर सको, इस पारों जिहड़ी दुआ सिखाई गई कमाल कर दी अल्लाह दे नेक बंदे ने, अल्लाहुम्मा इल्लम तकुन, ऐ अल्लाह अगर तू शाबान, अल्लाहुम्मा इल्लम तकुन गफरता लना फी शाबान, ये शाबान लंघ गया तो असी माफिया मंगते रहे, जे तू इस महीने जिन्हें गुजरे दिनों माफ़ नहीं किया तो थोड़ा जहा जो रह गया फगफिर लना फी मैं बख्श, मैं इस रेंदे हिस्से च सर ते करम कर दे, सानू बख्श दे, असी माफ़ी याफ्ता होकर तेरे पाक महीने दाखिल हो, महीना बड़ा इस महीने की अजमत और शान का कोई अंदाजा नहीं, हज़ूर ने शाहरुन अज़ीम किया शाहरुन मुबारक किया कि साल के बाकी महीने भी ना यदियाँ बरकत वर्गिया बरकत ना ये मरतबे का कोई अंदाजा, ये अल्लाह ताला ने अपनी इबादत लिए महीना चुन लिया, अरे दे आमद से जी दुआ की रसूल करीम अलैहिस्सलाम तो इमाम मुहम्मद बाकर मुंह अल्लाह के रसूल किबले मुँह कर लेंगे जो चंद वेखते आह दुआ कर पढ़ दे, अल्लाहुम्मा हिल्लहु अरैना बिलामने वाली ईमान व सलामत वल इस्लाम है वल आफियत अल मुजल्लत व रिज़्क अल वासे व दख़ल अस्कराम, ए अल्लाह चंद साडे चढ़ा अमन दा होवे, इहदे साडा ईमान सलामत रहे, हर तरह की सलामती होवे, कोई दुख ना पेश आवे मुसलमानों, तो इस्लाम जिहड़ा वह भी गालिब रहे, वल आफियत अल मुजल्लत, तो खैरीयत ऐसी रखे जी सारी उम्मत से हो, ये नहीं दे कदे नूं ठीक रखे ना, पूरी आफियत मुजल्ला ऐसी आफियत तंदरुस्ती कि सारी उम्मत नूं अपनी लपे, हर मुसलमान खैर ना रहे वर्ज के लवासे, और इस महीने खुला रिज्क दे, कोई तंगी जना मुसलमान रहे व दफल, और ऐस बीमारियां जड़ियाँ दफल असकाम बीमारियां जड़ियाँ दफा कर, ऐ दुआ मंगी अगे की आख्या, हुण रब को की चाहो, ये महीना जड़ा है कि लम्हा इहदा